अलम गाइस इस मेकअप इनसाइट में सबका वेलकम करती हूँ मैं करती हूँ आप सब खरीदे होंगे सो so, आज मैं एक लाई हूँ मेकअप प्रोडक्ट का ही रिव्यू और वो है एक काफ़ी काफ़ी नहीं हाई एंड ब्रांड की प्रोडक्ट है और खैर मेरे पास ज़रा स्मॉल साइज़ की है और मिनी नहीं मिनी से ट्रैवल साइज़ की है स्मॉल स्माल ट्रैवल साइज़ की है और मुझे राउंड अबाउट थाउजेंट या फिफ्टीन हंड्रेड में मिली थी और मैंने लिट्रली मैं बता रही ना मैं हर चीज़ पहले यूज़ करती हूँ फिर तो क्या यूज़ करूँ तो कैसे यू जब तक तो मुझे मुझे रिजल्ट चीज़ का नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों को कैसे रिजल्ट दे सक बता सकती हूँ रिव्यू कैसे दे सकती हूँ ऐसे चीज़ हाँ ये प्लान प्लान की ये ये ये, ये क्वालिटी से ये ले जी कैसे तो इस तरह मैं आपको कभी भी नहीं दे सकती सो प्रोडक्ट है आइसोलेटेड और वो है यूडी की ये पेंसिल ये है अर्बन डी के की ट्वेंटी फोर सेवन ग्लाइड ऑन आई पेंसिल इन ज़ीरो ठीक है ये इस तरह की है और बैग से ये ऐसी है सो so, इस पे अर्बन डी के स्टील दिस लुक इससे अच्छा इससे आप दो तीन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें और शेड भी ये ब्लैक शेड में है ज़ीरो इनका ब्लैक शेड है और इसमें इतने सारे शेड्स आते हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो तो कैमरा कैच कर रहा हो तो ये इसमें ये शेड्स आते हैं और पेंसिल का साइज़ मैं आपको बता देती हूँ ये इतना सा है ये है प्रोडक्ट और इसका वेट है ज़ीरो पॉइंट थ्री आउन्स या जीरो पॉइंट एट जो इक्वल्स है जीरो पॉइंट एट ग्राम्स के और कंटोर आइस कुछ करके इस बाकी तो नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मेड इन जनवनी है इसको ओपन करने के बाद ट्वेंटी फोर मंथ्स मीन्स एक साल तक आप यूज़ कर सकते हैं जितने भी अब बड़े ब्रांड्स हैं ऑलमोस्ट और हाई एंड्स में भी उनके आप ये देखिए छोटा सा बॉक्स बना होता है अगर ये सही तरह कैच ये देखें छोटा सा बॉक्स बना होता है इसके बीच में मंथ लिखा हुआ है थर्टी सिक्स ट्वेल्व सिक्स और साथ में एम लिखा होता है इट मींस ओपन करने के इतने मंथ्स बाद और इसका सिल्वर सा मेटल का कैप है ये और पेंसिल ये क्लियन टाइप है देख सकते हैं आप लोग और बहुत अच्छी अच्छा मैंने इसको तो किस यूज तरह यूज़ किया था साइज ये है ये मैंने किस तरह ये वही यूजर में जिन जिन का बताती हूँ कि ये मेरे इनसे मैं बाई करती हूँ ये उन्हीं से बाई किया हुआ है मैंने और है बहुत अच्छी और क्या नाम है लाइक लॉन्ग लास्टिंग है मैं अच्छा इस पे लिखा हुआ आप जैसे आप इस उधर जो पिक्चर में बना है उसके अकॉर्डिंग आप जैसे आए इस पर इस पर पे काजल पेंसिल या कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ तो लेकिन मैंने इसको ऐजा काजल इस्तेमाल किया और लिटरली लिटरली इतना सा भी स्मर्ज नहीं हुआ ये अब मैं देखे लगा के दिखाती हूँ फ़र्क नज़र आया ये देखिए इस अभी लाइट सा लगाया और इस टाइम में सो so, ये है बहुत अच्छी थोड़ा सा डाल करके दिखा दिया अभी शॉर्प नहीं हुई भी इस वजह से आप देखें अब आपको दोनों आइस में फ़र्क नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा लुक में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है सो so, मैं दूसरी में भी लगा लेती हूँ देखिए आइस कितनी बड़ी लग रही है इस तरह मेरी गोल सी ज़रा आइस लग रही है इसमें देखिए आप कितनी बड़ी लग रही है सो so, ये अच्छा मेरे से साइड में बिल्कुल सही काजल हो गया ये सही लग जाता है इसमें नहीं तो थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है ये टफ लगती है ये वाली आई ये देख लुक चेंज हुई कि नहीं हुई आई इसकी सो so, ये हाईली पिगमेंटेड है और स्मर्च बिल्कुल नहीं होती चाहे जितनी भी स्वेटिंग हो कुछ भी हो ये स्मर्च नहीं होगी सो so, आप इसीलिए इसको यूज़ कर सकते हैं और मेड इन जर्मनी है और अर्बन डी के है जिसे हम लोग यूटी के साथ इनका मेकअप फिक्सर स्प्रे भी आप लोगों को पता है बहुत फेमस है और ये मुझे वही बताया बताया था थाउजेंड अब ये होगी राउंड अबाउट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री थाउजेंड की रेंज पे थोड़ी सी बड़ी वाली होगी तो हाईली रिकमेंडेड रेटिंग मैं इसको दूंगी टेन और टेन या जब फाइव स्टार रेटिंग है मेरी तरफ़ से और ये अच्छा ये ये आँख में लगाने से ना कोई पानी नहीं आता कोई आई इसमें ईचिंग नहीं होती किसी किस्म का कुछ भी नहीं होता बहुत अच्छी है पेंसिल है और आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको डेली बेसिस पे भी लगा सकते हैं ऑफिस का जो अफोर्ड कर सकता है ऑफिस गर्ल्स स्पेशली और दूसरा ये के यू डी की कोई प्रोडक्ट जिसका आप रिव्यू देखना चाहें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं उनको फॉलो ज़रूर करना है आपने और क्या लाइक मेकअप प्रोडक्ट्स में आप लोगों को सबसे ज़्यादा कैसी मेकअप प्रोडक्ट्स क्या रिव्यू देखना पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा और Allah Hafiz